आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ऑनलाइन क्लास करने से बच्चों की आंख, कान और उनके व्यवहार में दिन ब दिन परिवर्तन आ रहा है। वक्त रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बच्चे डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। बच्चों को ऑनलाइन क्लास करने से बच्चों की आंखें, कान और उनके व्यवहार में दिन पर दिन परिवर्तन आ रहा है। अगर वक्त रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बच्चे डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। कोरोना लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों को समझ में नहीं आ रही है, इसकी वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ गया है और उनके स्वभाव में उग्रता आ गई है। लॉकडाउन में बच्चों की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वो अब छोटी छोटी बातों पर माता पिता के साथ बदतमीजी भी करने लगे हैं। देखिए, कोरोना काल में जैसे कि बच्चों की काफ़ी प्रोलॉन्ग लॉकडाउन की वजह से उनकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो उनकी स्टडीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो इसको कवर अप करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस तो होना ज़रूरी है, वरना बच्चा पीछे रह जाएगा। अब ऑनलाइन क्लासेस के दो एस्पेक्ट्स हैं देखे जा रहे हैं, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट में ये है कि जो बच्चा कोचिंग जा रहा था उसका टाइम बच रहा है, वहाँ पर आने जाने का टाइम बच रहा है। दूसरी चीज़ आपके ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ये हो रहा है कि बच्चा घर में ही है, अपने पेरेंट्स के सामने है, उनके सामने है, देख रहा है, पेरेंट्स को पता चल रहा है हमारा बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है। अब इसके नुकसान देखें, मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट्स अगर देखें तो काफ़ी हैं। ऐसे काफ़ी बच्चे आ रहे हैं जिनको आँखों में जैसे कि रिकरेंट ब्लिंकिंग हो रही है आँखों में, ड्राई आई सिंड्रोम हो रहा है, और कानों में भी प्रॉब्लम आती है, जिससे कि पेरेंट्स क्या है, बच्चों को क्या कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, ईयरफोन्स लगवा देते हैं कि आसपास का बच्चों का जैसे घर का एनवायरनमेंट है वो आवाज़ ना सुनाई दे, ईयरफोन्स लगा देते हैं, तो बच्चों को क्या है इससे नॉइज़ इंड्यूस्ड इनको प्रॉब्लम आ रही है। तो नॉइज़ इंड्यूस्ड डेफनेस की वजह से भी बच्चों को प्रॉब्लम के साथ क्या हो रहा है, ईयरफोन्स का लॉन्ग टर्म यूज़ कान के अंदर एयर पैसेज को ब्लॉक कर देता है, तो बच्चों में टिनाइटिस की प्रॉब्लम आएगी, फिर लॉन्ग टर्म उनका एक्सपोजर, फ़ोन से बच्चा ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है, एक दूसरे घर में दो बच्चे हैं, एक दूसरे की एयरफोन यूज़ कर रहे हैं, तो एयर इन्फेक्शन हो रहा है उस वजह से। तो मेन चीज़ ये है कि ये ध्यान दें कि एक तो डिस्टेंस काफ़ी मेंटेन करें, जो एक्सपोजर है मतलब जो सामने उनकी वीडियो स्क्रीन है उनका थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, और ध्यान ये दें कि फ़ोन से अच्छा है कि आप उनको लैपटॉप या कोई डेस्कटॉप दें, तो उससे एक्सपोजर भी उनका बचेगा। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के जीवन जीने के तौर तरीके को बदल कर रख दिया है। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन में बच्चे करीब ढाई महीने से अधिक समय से अपने घरों में कैद हैं। उन्हें लॉकडाउन की वजह से अपने पढ़ाई के तरीके को भी बदलना पड़ा है। वो ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश बच्चों को ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा है और वो डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं।